इधर सीज फायर उल्लंघन को लेकर सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे ने आज पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा कि सीमापार से फायरिंग, घुसपैठ और आतंकी गतिविधियां अगर नहीं रोकी गई तो भारत हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। इस साल 25 फरवरी को भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते के 100 दिन होने पर सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे 2 दिवसीय कश्मीर दौरे पर पहुंचे। सीमा पर से इसके उल्लंघन को लेकर नरवणे ने दो टूक कहा कि इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, अगर सीज फायर नहीं रुके तो वो हर हालात के लिए तैयार है। The ceasefire as of now is holding and the responsibility, I would say the onus of making sure that the ceasefire holds is squarely on Pakistan. उन्होंने ये भी कहा कि सीमा पार से घुसपैठ की कार्रवाई रोकी जाए। नरवणे ने आतंकियों के आत्मसमर्पण और कोरोना महामारी के मोर्चे पर डटे जवानों के पीठ भी थपथपाए। जनरल एमएम नरवणे का इस बात पर जोर था कि कश्मीर घाटी में फिलहाल जिस तरह अमन जो है लगातार बहाल होता हुआ दिख रहा है और इसका कहीं ना कहीं संकेत ये भी है कि कश्मीर घाटी में आवाम भी अमन ही चाहती है और इंडियन आर्मी का जो रोल है वो अमन के हवाले से लगातार इसी तरह बना रहेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।